एंगल बनाने का प्रयास, यहां मिलेगी चार रन। कदमों का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया था, हालांकि टाइमिंग वैसा बैठा ही थोड़ा, मुझे ऐसा लगा बल्ला घूम गया था, पर जो निजिया चाहते थे वो इनको मिल गया। और यहां इम्प्रोवाइज किया, बहुत ही बेहतरीन शॉट, यहां पे गैप में चार रन मिलते हुए। अच्छा शॉट खेला है, पॉइंट के बाईं ओर से गेंद निकली, समझिए पहुंच गई बाउंड्री तक। एंड्रू रसल ने चलिए गेंद पहुंच गई बाउंड्री तक, यहां 37/5, 8 के बाद। हाँ भारी किनारा, मोटा भारी किनारा और 6 रन मिले, ये तो ताकत है आंद्रे रसल के। पहला छक्का इस मैच का, वो भी आंद्रे रसल के बल्ले से, मसल द रसल। ये जो नतीजा ये रहता है, बल्ला घुमाया, जोर से घुमाया, एक फील्डर था डीप थर्ड में, पर मात्र दर्शक ही रह गया, थोड़ी सी जगह थी। कहते ना इस सतह पे मार्जिन ऑफ एरर गेंदबाज के लिए बहुत कम है, और जी हाँ खुशी बनती है। शॉट खेला, ड्राइव किया, यहाँ पर रन आएंगे क्या, ये अंतिम गेंद पर चौका है। हाँ चौका है, 15 गेंदों के बाद ये पहली बाउंड्री आई है यहाँ, 11 समाप्त, 59/8। दो स्लिप तैनात, इस बार ऊपर से गेंद गई है, बड़ा भाग्य ने साथ दिया, मिलेंगे चार रन। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, पर रन कैसे भी आए समय नाइट राइडर्स के लिए वो कहेंगे रन आने चाहिए। अच्छा शॉट है, ओवर पॉइंट, 6 रन, मौका दिया हाथ खोलने का और चूके नहीं रसल। थोड़ी इंटरेस्टिंग फील है, लॉन्ग ऑन डीप विकेट, डीप स्क्वायर लेग, जो ऑफ साइड पे कोई भी खिलाड़ी पीछे नहीं था, उसके बाद शॉट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, एक वो न्योता दे रहे थे यार। छोटा गेंद कट किया, कोई फील्डर नहीं, गोली की तरह, 4 रन, 13 समाप्त, 79/9। ऊपर गई है गेंद, देखना है दूरी पकड़ी है, जी हाँ दूरी भी पकड़ी है, 6 रन। रसल द मसल, वाह एक बार फिर कट खेला है रसल द मसल, 6 रन के लिए, क्या बात है, ये बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, ये वाला शॉट एंगल को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया, ये आसान शॉट नहीं खेलने के लिए, कंधे के ऊपर बैक स्पीड जनरेट करना, क्रीज के बिल्कुल अंदर खड़े हुए, क्रीज की गहराई का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बाउंड्री मिल जाएगी, यहां सोच अच्छी नहीं है, इस लेंथ पे आपको विकेट नहीं मिल सकती भाई। वाह क्या कमाल का शॉट खेला है यहां, कमाल का शॉट, जैसे गेंद आगे डाली और उन्होंने जड़ दिया छक्का, तैयार थे, कोई गलती नहीं की, जड़ दिया, 6 रन, ज्यादा दूर नहीं गई, 66 मीटर का, पर मिले 6 के 6। गैप मिला है, थोड़ी सी आजादी मिल गई थी ऑफ स्टंप के बाहर और उसका पूरा फायदा उठाया। ओहो आवाज, आवाज कमाल की आवाज आई थी, 34 बिना नुकसान। कुछ गेंदबाजी में कमाल करके दिखाएं, क्योंकि बल्लेबाजों ने शुरुआत जो है बहुत बढ़िया दिला दी है माई एमिरेट्स को। अब पिछले ओवर की आखिरी गेंद, ये देखिए जरा क्या कमाल का शॉट था ये। अब खेला था बॉल, ऊपर की तरफ गया है, निकल गया, 6 रन। एक रवि बोपारा थे, बल्ले का किनारा लगा तो गेंद स्टंप की तरफ चली गई, और वहीं एक परेरा है कि मोटा किनारा बल्ले का लगता है और गेंद बाउंड्री के उस पार चली जाती है। तभी कहते हैं इस खेल में भाग्य का एक, हर बार हम लोग जिक्र कर रहे थे, ये शॉट अच्छा है, यहाँ पर रन आएंगे, यही तो विशेषता है निकोलस पूरन की, और इस चौके के साथ 50 रन भी पूरा हो गया। दिशा दिखाई, उठा के खेला सीधे बैट से, थोड़ी गेंद ऊपर थी स्लॉट में, और यह हवाई फायर करते हुए 6 रनों के लिए ओवर की समाप्ति, बड़े शॉट के साथ 58/1 सब। और ये शॉट खास था, इन्होंने अपने
बल्लेबाजी को अलग किस्म से डिफाइन कर लिया है। पहले क्या प्रयास रहता था कि थोड़ा बहुत संभल कर खेल लें, सेट हो जाए, उसके बाद शॉट खेलें। पिछले एक डेढ़ सीजन में ना अपने बैटिंग में अप्रोच आप आगे डालेंगे तो स्विंग कराने के जो चांसेस रहते हैं, पीछे डालेंगे तो हर बारी यही परिणाम रहेगा। निकोलस पूरन टॉप नॉच बल्लेबाजी और कमाल के फॉर्म में, यही सबसे बड़ा फीचर रहा है निकोलस पूरन की बैटिंग में। वो अपने एबिलिटीज को बैक करते हैं, उनकी एबिलिटी है ये इस प्रकार के शॉट्स खेलना, बड़े शॉट्स खेलना और फियरलेस बैटिंग करना। क्योंकि उनका जो एक तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन के बारे में हम लोग बात हमेशा बात करते हैं, पर वो जो बैट स्पीड है और जो बल्ले का स्विंग है वो मदद करता है इनको इस प्रकार के शॉट्स खेलने में। और इस बार उठा के खेला है, स्वागत हुआ है सुनील नारायण का इस बड़े शॉट के साथ। यह गजब की टाइमिंग, कमाल का खिलाड़ी हो गया है ये निकोलस पूरन। वो ग्रास बैंक में ये सीम अप डिलीवरी डाली थी, बहुत जल्दी परख लिया, लेंथ भी पिक किया, उसके बाद ये बैट कर 88 मीटर का ये छक्का है ये। ओह, गिट्टी गिरती है तो फिर आप बाउंड्री नहीं, कुछ गेंदें आप आराम से खेल सकते हैं। गैप में अच्छे रन, चाहे उतनी अच्छी तरीके से टाइम नहीं भी किया हो लेकिन उस शॉट में उतनी ताकत जितनी आपको चाहिए, बड़ी बाउंड्री को क्लियर किया निकोलस पूरन ने। सही कहा था आपने, क्योंकि ये यहाँ पे इस तरफ जो बाउंड्री भी है 70 मीटर की है, टाइमिंग वैसा बैठा नहीं, पर इस बार उठा के खेला है। इस बार गेंद बहुत ऊपर गई है, फील्डर वहां पे आता हुआ, पर नतीजा वही है 6 रन। और इस बार तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है डीप मिड विकेट फेंस के अंदर बॉल गिरे, पर ऐसा हुआ नहीं। इस वाले शॉट में ऊंचाई ज्यादा मिली।